आप बोल दो डायरेक्टर से बात कर भाई, मैं तो करने को तैयार हूँ जो बोलेगा वैसे। तो आमिर खान वगैरह आते हैं क्या यहाँ पे? पागल हो गया क्या? जाए तो या तो सिक्योरिटी भगाएगी या ये खुद भगाएंगे, पर मैं बात करके तो जाऊंगा। साला रोज लैंडलाइन पे फोन लगा रहा हूँ उन लोगों के, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ, उनको गाली बक रहे हैं, और तुमको बता रही मुंबई में है ना सिर्फ राइटर भूखा नहीं मर सकता, बाकी कुछ भी मर जाए। ओके हेलो एंड वेलकम टू बिंज बडीज। इन टुडेज एपिसोड ऑफ कैंडिड कॉन्वर्सेशन वी हैव विद अस प्रतीश मेहता। बिफोर वी प्रोसीड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बिंज बडीज। हेलो प्रतीश, वेलकम टू बिंज बडीज। आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्पीक विद यू टुडे। सेम सेम हियर। आई हैव पर्सनली सीन यू इन न्यूमरस अमाउंट ऑफ स्केचेस, कपल ऑफ सीरीज ऑल्सो, आई विल गेट इनटू दैट लेटर। From my research, now this is what I have found, correct me if I'm wrong, you have theater experience of over 12 plus years and you got into that quite into an early age of your schooling, and you are a massive, massive cricket fan and also have represented a couple of teams and your hometown team during your educational days. 12 साल का थिएटर एक्सपीरियंस रहा है और ऑल्सो यू वन अ स्कॉलरशिप फ्रॉम सीसीआरटी विच इज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो यू आर फ्रॉम उज्जैन, यू डिड योर स्कूलिंग एंड थ्रू आउट योर ऑल द एजुकेशन हैज बीन डन देयर इटसेल्फ फ्रॉम उज्जैन? यस, सब वहीं पे हुआ है। ओके, सो फर्स्ट आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि एक्टिंग और राइटिंग इन दो की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ एट दैट एज, इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड। ऐसा था कि शायद क्रिकेट की वजह से मुझे एक्टिंग में भी झुकाव हुआ, मतलब ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि बेसिकली जैसे कि टीयर टू सिटीज का पता ही है आपको कि कैसे छोटे छोटे शहर रहते हैं, तो यहाँ पे खबरें थोड़ी जल्दी फैलती है, चीजें थोड़ी जल्दी सामने आ जाती है, राइट राइट। और यहाँ पे आप एक दिन में तीन चार चीजें कर सकते हो। ऐसा मुंबई जैसा नहीं है कि आप सुबह निकले तो एक ही चीज करके वापस आ जाओ, वो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा नहीं था, तो वही था कि मैं बहुत अर्ली स्टेजेस से क्रिकेट खेलता था, जब मैं शायद 12 या 13 साल का था। तो मैं तभी स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था फॉर्चुनेटली, तो थोड़ा ऐसा आसपास के लोगों को पता पड़ता है, उससे और लोगों को पता पड़ता है। तो हमारे कॉलोनी में ही मेरे सर थे राजीव शुक्ला जी, तो उन्होंने ऐसे सामने से एक बार अप्रोच किया कि मेरा थिएटर का ग्रुप है और मैं एक स्टेज कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम सब बच्चे आ जाओ और मैं तुम लोगों के साथ मिलकर उस प्ले को कंटिन्यू करना चाहूंगा। उसमें पहले से जो उनके स्टूडेंट्स थे वो तो थे ही, जो सीनियर्स थे हमारे जो अभी भी हैं, तो चीजें वहां से स्टार्ट हुई, हम चले गए, वो प्ले बहुत कंटिन्यू हुआ, वो चीजें बहुत आगे बढ़ी, तो वहां से एक्टिंग स्टार्ट हुई। और एक टैलेंट सर्च करके क्रिकेट की इंडिया में कंपटीशन होती थी, तो मैं उसमें सिलेक्ट हो गया था उज्जैन से। तो उसके लिए सबकी उसके लिए एमपी से सिलेक्टेड बच्चों को भोपाल में बुलाया गया। तो अब मैं एमपी से सिलेक्ट होके भोपाल चले गया। तो अब हुआ क्या कि हमारे सर ने ये सीसीआरटी जो है सेंटर ऑफ कल्चर रिसोर्स ट्रेनिंग ऑफ इंडिया, सेंट्रल कल्चर रिसोर्स ट्रेनिंग ऑफ इंडिया, तो इसके फॉर्म भर दिए थे सारे बच्चों के। और उस समय तक मैं ठीक ठाक प्ले कर चुका था, मैं 3-4-5 प्ले कर चुका था, पर एक क्वालिटी ये थी मेरे अंदर कि मेरे को सबकी लाइन्स याद हो जाती थी। तो हुआ ये कि मैं वहीं क्रिकेट खेल रहा था भोपाल में, और सडनली मुझे एक दिन मम्मी ने बोला, मैंने उनको फोन किया लैंडलाइन से, तो उन्होंने बोला कि मैं अच्छा तेरा वेट कर रहे थे, तुझे कल है ना तो भारत भवन चले जाना इतनी इतनी बजे। तो मैंने बोला क्यों? बोले वो सर ने कुछ फॉर्म वॉर्म भरा है, तो उन्होंने कहा था कि तू आ जाए वहाँ पे 12 बजे तक, तो तेरा भी वहाँ पे कुछ है तो वो करके आ जाना जैसा भी है ये। मैंने बोला ठीक है चले जाऊंगा, क्योंकि 12 बजे तक वहाँ प्रैक्टिस भी खत्म हो जाती थी तो मैं जा सकता था। मैं वहां गया तो मेरे ग्रुप के सारे बच्चे थे, और मुझे वहां जाके मालूम पड़ा कि सब लोगों ने 20-21 दिन इसकी तैयारी करी है कि जब इंटरव्यू होगा तो क्या कर, वहां पे 2-3 दिन परफॉर्मेंस करनी रहती है ना आपको सबके सामने, जजेस के सामने, तो सबको परफॉर्म करना होता है कि ये वो ऐसा वैसा। तो मैं सर के पास गया, मैंने बोला आप 2-3 दिन पहले बता देते तो शायद मैं कुछ प्रिपेयर कर लेता, ना मेरे पास कुछ सर्टिफिकेट है। तो उन्होंने बोला जो तेको याद हो वो कर ले। ओके, तो मैंने बोला सर याद तो कंस है, उन्होंने बोला ठीक है कंस कर ले। मैं ऐसे ही गया, मतलब वो बस यही था कि चले गए देने। अब जब देने गए तो जब आपका सेकंड लास्ट नंबर होता है तो अगर कोई और परफॉर्म कर रहा है तो आपको बिठा दिया जाता है कि आप बैठो नेक्स्ट, आप तो आपसे आगे वाले का परफॉर्मेंस देख सकते हो। ठीक, मुझसे आगे एक लड़की गई, वो मेरे ही ग्रुप की थी। ओके, गई
तो उसने कुछ तो वियर्ड सा करा और मैं हंस दिया. तो जजेस ने मुझे वहीं से पलट के देखा कि ये क्या है भाई, ये हंस क्यों रहा है. तो अब मेरी बारी आई, उन्होंने पूछा कुछ लाए हो, बोला नहीं. तो बोले कुछ किया है, मैंने बताया मैंने क्या क्या किया है ऐसा ऐसा. तो एक ने पूछा तुम हंसे क्यों, तो मैंने देखा, मैंने बोला मुझे वियर्ड लगा जो वो कर रही थी, मैं हंस दिया कि ये क्या चीज है, मतलब गलत कर रही थी ना वो. तो उन्होंने पूछा क्या गलत कर रही थी, तुम सही करके दिखा दो. मैंने दिखा दिया जो भी था. तो उन्होंने मतलब रैंडमली करवाया कि आप इम्प्रॉम करके दिखा दो, ये वो ऐसे वैसा. तो मैंने इम्प्रॉम करके दिखा दी 3-4 चीजें. अब 4 महीने बाद रिजल्ट आया, तो जो इतने सारे कॉलोनी में से बच्चे गए थे उसमें से मेरा हो गया और किसी का हुआ ही नहीं. ऑल राइट, मैं भी शॉक, सर भी शॉक, सारे बच्चे भी शॉक, ये हुआ क्या. अब उसमें एक टर्म एंड कंडीशन ये रहती है कि वो आपको स्कॉलरशिप देते हैं सीखने की, और सीखने की स्कॉलरशिप का मतलब ये रहता है कि आपको हर 6 महीने में उनको रिपोर्ट भेजनी होती है कि आपने क्या सीखा. राइट, ठीक. तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई. मतलब शायद ये हो सकता है जर्नी इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि मुझे करना पड़ा. वो कहते हैं ना बचपन में अगर पैसे का लालच था कि भाई स्कॉलरशिप चाहिए तो फिर करो सीखो. राइट राइट राइट. सो दिस कंटिन्यूड टिल हाउ लॉन्ग? दिस कंटिन्यूड टिल माय फर्स्ट ईयर. ओके. जब तक मेरे पैर के लिगामेंट्स नहीं टूट गए. तो बेसिकली फर्स्ट ईयर में मैं अच्छा, मतलब सही चल रहा था, एमपी रिप्रेजेंट कर रहा था मैं. और स्कोर भी ठीक था, एमपी रिप्रेजेंट किया ही था. और उसी ईयर मेरे पैर के लिगामेंट्स टूट गए. वो ऐसा था कि मैं लिटरली मैचेस खेल रहा हूँ तो मैं स्प्रे लेके मैच खेलता था कि बीच बीच में अगर बैटिंग करते हुए फील्डिंग करते हुए स्प्रे लगा रहा हूँ पैर में, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ. तो वो बड़ा ही वियर्ड सा हो गया था. फिर फर्स्ट ईयर में मैंने प्रोफेशनली क्रिकेट को ड्रॉप करना ही पड़ा कि अब तो ऐसे तो कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इतना नॉलेज भी नहीं होता ना, तो पता नहीं था कि कैसे कंटिन्यू होगा. तो आई डिसाइडेड कि थिएटर को अब ज्यादा वो करता हूँ. तो सेकंड ईयर से थिएटर का अपना एक मेरे बुआ के लड़के हैं और उनके साथ मिलके एक ग्रुप खोल लिया यूवी एंटरटेनमेंट्स नाम से. ओके. कि अब खुद का करते हैं. ठीक. तो खुद के प्लेस करने लगे तो वहां से थोड़ा सा थिएटर सीरियस हुआ. ओके. और मैंने सेकंड ईयर में जाके कंपनी सेक्रेटरी चालू कर दिया. ओके. क्योंकि मेरा जो बेस्ट फ्रेंड था क्रिकेट के समय से अजेंद्र, वो उसे 1 साल छोटा है. ओके. तो उसने 12th के बाद बोला कि मैं सीएस करूंगा. तो मुझे फुल फॉर्म भी नहीं पता था, पर मैंने बोला मैं भी करूंगा. ठीक है. तो उसने बोला ठीक है कर लेते हैं. उसने जाके फॉर्म भरवा दिया. फॉर्म भर के आ गए तो सेकंड ईयर से सीएस भी चालू हो गया. ठीक. और बीकॉम चल ही रहा था और फिर खुद का थिएटर ग्रुप खोल लिया. Nice. तो यहाँ से चीजें जो है वो थोड़ी सी सीरियस हुई. सो थिएटर ग्रुप, फर्स्ट क्वेश्चन, सीएस कंप्लीट किया कि नहीं? हाँ. सो सीएस मेरे फॉर्चुनेट रहा कि मेरी सारी चीजें वन टाइम में क्लियर हो गई थी. Wow. तो फाउंडेशन क्लियर हुआ एक बार में, फिर एग्जीक्यूटिव था. तो एग्जीक्यूटिव में बहुत अच्छी एक कहानी है मेरे पास कि मैं एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटेम्प्ट, मैं कुछ 10 नंबर, उसमें ऐसा होता है कि आपको ना सिर्फ पास होना रहता है, आपका जो टोटल है 3 सब्जेक्ट को मिला के 150 से ऊपर होना चाहिए. राइट. ठीक है, भले ही आप पास हो गए हो, पासिंग मार्क 40 है, लेकिन अगर आपका ग्रैंड टोटल 150 नहीं हुआ तो यू स्टिल बी कंसीडर्ड एज फेल. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया और मुझे 143 नंबर आए. मैं पास सब में था पर मुझे 143 नंबर आया एग्जीक्यूटिव में. फाउंडेशन तो क्लियर हो गया था एक बार में. ठीक है. तो अब मैंने बोला यार मैंने कभी जीवन में इतनी पढ़ाई करी नहीं थी. मैंने बोला भाई अगर मैं इतनी पढ़ाई के बाद पास नहीं हो रहा हूँ ना तो मैं अब और तो नहीं करूंगा. मैं इससे ज्यादा पास तो, मतलब मैं इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता. ठीक. तो अगर नहीं हो रहा है तो फिर भाड़ में जाए, पर मैं इससे ज्यादा पढ़ाई तो नहीं करूंगा. ओके. तो ठीक है, हो गया. अब हुआ क्या कि मैंने ऐसे ही रीटोटलिंग का फॉर्म भर दिया. उसने बोला काम कर, रीटोटलिंग का फॉर्म भर देते हैं, देखते हैं अगर कुछ होता है. पर इतनी बड़ी एग्जाम्स में रीटोटलिंग में कोई पास वास होता नहीं था. तो सेकंड एग्जाम 6 महीने बाद होती है इसके, अगर आप फेल हो जाते हो तो. 6 महीने बाद सेकंड एग्जाम थी और सेकंड एग्जाम के 25 दिन पहले रिजल्ट आया कि आपके रीटोटलिंग में 10 नंबर बढ़ गए और आप पास हो गए. मैंने मन में सोचा यार मुझे तो पीछा छुड़वाना था इस कोर्स से, क्यों पास हो गया. पास हो गया, मैं आ गया फाइनेंस में. मैंने बोला यार क्या हो गया यार, इतनी पढ़ाई कौन करेगा. तो फाइनेंस में आ गए, पर अब पास हो गए तो करना था. तो फाइनेंस में ये होता है कि स्टार्टिंग में आप एक ही ग्रुप दे सकते हो. उस समय कुछ नया आया था, उस समय कंपनी लॉ चेंज हुआ था.
तो बेसिकली उसमें कंपनी लॉ 2013 हो गया था. पहले जो चेंज हुआ था तो अमेंडमेंट आया 2013 पढ़ना था, नया पढ़ना था. अब मुझे एक ही सब्जेक्ट पसंद था कंपनी लॉ, मैंने बोला इनने वो भी चेंज कर दिया. तो अब उस समय ये था कि आपके पास ये लास्ट अटेम्प्ट है कि अगर आप इस अटेम्प्ट में पास हो गए पुराना वाले पढ़ के तो ठीक है, पर अगर आप इस अटेम्प्ट में पास नहीं हो तो आपको नया देना पड़ेगा. राइट. अब मैंने अपने 6 महीने वेस्ट कर दिए बिना पढ़े. क्यों? क्योंकि मैंने बोला मेरे तो हुआ ही नहीं क्लियर तो मैं क्यों पढ़ू. राइट. तो अब मेरे पास टाइम कम था तो एक ग्रुप दिया, फॉर्चुनेटली वो भी क्लियर हो गया. तो कंपनी लॉ वगैरह सब क्लियर हो गया था. तो मेरे फिर बचे थे फाइनल्स के 2 ग्रुप. और उसके बाद कुछ ऐसे इवेंट्स हुए, कुछ लाइफ में ऐसा टर्न लिया कि फिर मैंने उसको कंटिन्यू नहीं करा, मैंने फिर उसको वहीं ड्रॉप कर दिया. और मुझे ये लगा कि यार, क्योंकि उसके साथ साथ है ना मैंने LLB भी कर ली थी. किसी ने कहा कि कंपनी सेक्रेटरी के साथ LLB इज अ गुड कॉम्बिनेशन. और ये सब सुन के कर रहा हूँ मैं, अपना कोई नॉलेज नहीं है, अपन बस पढ़ रहे हैं. क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे इतना पढ़ लिया नहीं पता लाइफ में. अब कंपनी सेक्रेटरी का आधा कोर्स बीकॉम में रहता है. तो कंपनी सेक्रेटरी पढ़ लेते थे, बीकॉम ऑटोमेटिकली पास हो गए. और फॉर्चुनेट इतने रहे कि लास्ट ईयर तो यूनिवर्सिटी टॉप कर गया. और तो क्योंकि CS का इतना पढ़ रखा था तो इधर काम आ जाता था. अब जब ये सब चल रहा है CS, BCom, CS, LLB and along with this आपका ड्रामा प्रैक्टिस भी हो रहा है. हाँ, along with this हमारा ग्रुप चलता रहता था. हम प्रैक्टिस तो जो लोकल शोज होते थे वो हम करते ही रहते थे. हमारे एक दो शोज बड़े अच्छे हिट भी हुए. जो मतलब कैसा था ना कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ UV एंटरटेनमेंट जो ग्रुप हमने खोला था हम उससे काम कर रहे थे. हमारे सीनियर्स ने भी ग्रुप बना लिए थे, हम उनके साथ भी काम कर रहे थे. हमारे अच्छे अच्छे हिट हुए हमने. तो वहां से मैंने राइटिंग स्टार्ट हुई सीखना. फिर हम यूवी एंटरटेनमेंट से मनाली में एक नेशनल कॉम्पिटिशन होती है हर साल 2 जनवरी से 7 या 8 जनवरी तक. ओके. वो नेशनल कॉम्पिटिशन होती है, उसमें ऑल ओवर इंडिया से लोग पार्टिसिपेट करते हैं. तो वहां जो प्ले होते थे ना वो प्ले धीरे धीरे जो लिखते थे चंकी भैया और ये सब, तो उनके साथ धीरे धीरे लिखना चालू किया. धीरे धीरे उसमें इम्प्रोवाइज करना चालू किया कि यार इसमें ये चीज भी ऐड करते हैं, इसमें ये चीज भी हटाते हैं. और वहां से फिर लिखने की आदत लगी. दैट्स रियली अमेजिंग बिकॉज कैसे एक क्रिकेट प्रैक्टिस, उसके थ्रू कॉम्पिटिशन, स्कॉलरशिप एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, इंजरी, लॉट ऑफ स्टडीज, फिर कॉम्पिटिशन के लिए राइटिंग सीखना एंड देन राइटिंग की लत लग जाना और वो आपने एंजॉय करना शुरू कर दिया. ड्यूरिंग ऑल दिस वाइल इंजरी हुई, प्रैक्टिकल अप्रोच रहा, थिएटर चालू किया आपने, बट उसमें भी प्रैक्टिकल अप्रोच रहा कि ओके, लिविंग के लिए शायद दिस इज नॉट इनफ एंड आई नीड टू लुक फॉर समथिंग एल्स, कहीं बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहा आपके, विच इज ग्रेट. तो अब राइटिंग शुरू हो गई, एक्टिंग एक्सपीरियंस तो आ गया, यू आर क्वाइट एक्टिव ऑन स्टेज, ऑफ स्टेज, बिहाइंड द सीन्स एक्सेट्रा. तो यहाँ से राइटिंग को आगे बढ़ा के शहर से बाहर निकलने का डिसीजन कैसे लिया आपने? जब ये सब चल रहा था तो मैंने एक बिजनेस भी स्टार्ट किया. और 1.5 साल तक किया भी, अच्छा कर रहे थे, अच्छे से किया, सीखी बहुत सारी चीजें उनसे सीखी. तो हुआ ये कि जब हम शोरूम में बैठे रहते थे ना तो वहां कैसा रहता था कि टाइम मिलता था आपको, क्योंकि वो टाइल्स और इन सब का बिजनेस था तो उसमें टाइम मिलता था. ऐसे ऑडियंस बहुत कंटिन्यूसली नहीं आती थी तो टाइम मिलता था कि आप देख सकते हो चीजें. तो मैं नेट पे ऐसी देख रहा था, शॉप पे बैठे, तो मैंने सबसे पहले फीचर्स देखा. ओके. फीचर्स देखा और तो मेरा पहला सवाल खुद से ये था कि इन्होंने फ्री में क्यों दिखाया. क्यूरियस तो मैं रहता ही था, मैंने सवाल करने चालू करे कि भाई ये इतना अच्छा कॉन्टेंट कोई फ्री में क्यों दिखा रहा है, लीक हो गया क्या? करेक्ट. तो पता पड़ा कि नहीं, लीक नहीं हुआ, यही प्लेटफॉर्म है, यहीं पे वो दिखा रहे हैं. फिर परमानेंट रूममेट्स देखा, उसमें भी फिर वो सारी चीज दिखी. मैंने बोला कैसे हो रहा है, मेरे को समझ नहीं आता था. चलते रहे सवाल जवाब में, अपने आप में थोड़ा रिसर्च करता रहा, मैं सोचता रहा कि क्या है क्या नहीं है. पर मेरा झुकाव तो इस फील्ड की तरफ था ही सही हमेशा से. तो सवाल जवाब चलते रहे, चीजें होती रही और फिर भी मुझे पता नहीं पड़ा. मुझे बस ये लगता था कि हाँ, स्पॉन्सरशिप और इन सबसे हो रहा है, पर कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं है. राइट. तो एक दिन उन्हीं भैया ने मुझे बोला कि क्या मतलब, हम दोनों कोल्ड कॉफी का बड़ा शॉप था, वो ले गए मुझे कोल्ड कॉफी की शॉप पे, हम बैठे थे. उन्होंने बोला कि क्या तू कब तक यही करेगा, क्या तुझे सच में यही करना है? तो मैंने बोला यार, पर ऑप्शन क्या है, मतलब मुझे पता नहीं है. मैं अगर मुंबई जैसी सिटी में चले जाता हूँ तो मैं भीड़ का एक हिस्सा हूँ. वही है, मतलब भीड़ का हिस्सा इन द सेंस कि कितने लोग हैं यार, मुझे ना मेरे कोई कॉन्टेक्ट है, ना मेरा बैकग्राउंड
क्योंकि मैंने कभी पढ़ाई की है, मुझे मास मीडिया कम्युनिकेशन के बारे में तो तब पता पड़ा जब मेरा LLB भी खत्म हो गया था कि ऐसा भी कोई कोर्स होता है जिस कोर्स से आप ये सारी चीजें कर सकते हो. तो मैंने बोला नॉलेज ही इतना कम है तो कैसे कर. उन्होंने बोला ट्राई तो कर, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेल होगा. तो मैंने बोला हाँ फेल होगा तो है ही ऑप्शन, मतलब ये है. तो उन्होंने बोला नहीं यार देख ऑप्शन लेके मत जा, अगर तू ये सोचेगा ना कि मतलब अगर मैं फेल हो गया तो आई कैन कम हियर अगेन एंड स्टार्ट माय बिजनेस अगेन, ऐसा ये वो, तो तू फेल ही होगा. राइट, प्लान बी नहीं चाहिए. तो प्लान बी नहीं चाहिए. वो सच में एस्पिरेंट पे तो अभी आया है, वो लाइफ में बहुत पहले आ गया था. राइट, प्लान बी नहीं चाहिए. सो उन्होंने मुझे भेजा और मैं भी मन में ये सोच के आ गया कि जो बीत गया वो बीत गया. मतलब मैंने बोला कि अब मैं इधर तो पलट के वापस, अगर मैं फेल भी होता हूँ ना तो मैं यहाँ तो नहीं आऊंगा, मतलब मैं ये चीज तो वापस से नहीं करूंगा भले मैं फेल हो जाता हूँ. तो मैं मुंबई चले गया. तो मुंबई में ये हुआ कि मैं जानता था सिर्फ दो जनों को, एक मेरे बुआ के लड़के थे जिनके साथ मैंने यू एंटरटेनमेंट चालू किया था. और वो समय हेड्स ऑफ प्रोडक्शन में असिस्टेंट डायरेक्टर थे. तो हेड्स ऑफ प्रोडक्शन उस समय बड़ी दूर से आया बना रहा था. अगर हेड्स ऑफ प्रोडक्शन वो है जिसने सारा भाई बनाया, खिचड़ी बनाया स्टार के साथ. राइट राइट. तो वो उसमें असिस्टेंट डायरेक्टर थे. तो मैं बस यही जानता था, उनको ही जानता था. और एक मेरा दोस्त था गौरव, तो गौरव ने मास मीडिया कम्युनिकेशन किया था, उसका ये बैकग्राउंड था. तो बस गौरव से मिला, गौरव ने बताया कि देख व्हाट्सएप पे ग्रुप है, मैं इनमें तुझे ऐड करा देता हूँ, इसमें ऑडिशन के क्लूज आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं. ओके. उसने बता दिया कि आराम नगर होता है, चार बंगलो होता है, यहाँ ऑडिशन होते हैं. और हुआ ये कि ये सब चलता रहा, एक महीने, दो महीने, तीन महीने, चार महीने, पांच महीने, आठ महीने, एक साल. अब यार एक साल हो गए, कुछ भी नहीं हुआ, नॉट अ सिंगल, मतलब अच्छे लगते थे लोगों को ऑडिशन, फाइनल वाले जॉब आते थे, फिर कहाँ जाते थे पता नहीं. और मैंने वो देखा बैंड बाजा बारा जो YRF का आया था. चीजें बना रहे हैं, फ्री में दिखा रहे हैं, क्या सीन है यार भाई, कुछ तो होगा. तो मैंने एक दिन सारी लिस्ट बनाई, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, उनको सबको गूगल सर्च मारा. ऑब्वियसली लैंडलाइन नंबर मिलते हैं, वो लैंडलाइन नंबर लिखे. मैंने बोला लैंडलाइन तो लैंडलाइन ही सही यार, लिखते हैं. वो लिखे और सबके ऑफिस फोन लगाया कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, मैं चाहता हूँ कि मैं वो आप लोग बनाऊ. सबके ऑफिस रिसेप्शन वालों ने फोन उठाया, उन्होंने बोला कि बाद अभी बात करा, ये ईमेल आईडी है इसमें मेल कर दो, ये कर दो, वो जो होता है हर जगह होता है रेगुलर. मैंने बोला ये भी नहीं सही चला यार. और उस बीच एक गौरव से ऐसी हम दोनों ही थोड़े, हमारा क्रिकेट बैकग्राउंड भी था, वो मेरा होम टाउन का दोस्त था, दोनों के बक्सर की बड़ी पसंद थी, दोनों ही क्रिकेट खेलते थे, दोनों का बैकग्राउंड वो था. तो एक दिन बातचीत में गौरव ने बोल दिया कि यार देख ऐसा है कि मुंबई में है ना सिर्फ राइटर भूखा नहीं मर सकता, बाकी कुछ भी मर जाए. ओके. मैंने बोला अच्छा. तो मैंने बोला फिर अब से राइटिंग ही करूंगा, क्योंकि एक साल से तो ये लग रहा है कि अब तो भूखा मर जाऊंगा. पता नहीं क्या हुआ उस दिन से, जो एक 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 हिट हो गया मेरे को उस दिन से, कि मैं कंटेंट का इतना शौकीन था, सारी चीजें मेरे को हिट हो गया कि नहीं यार अब लिखूंगा. और अब लिखूंगा ना तो दम से लिखूंगा, मतलब अब हो गया. तो उस दिन से लिखना चालू करा. एक मतलब वो बच्चे तो रहते ही हैं, नया नया दिमाग रहता है ना, तो सब सोच लेते हैं नया दिमाग में, आपको लगता है मैं पिक्चर भी लिख सकता हूँ. तो मैंने सीरीज ही लिखना चालू करी. मैं सीरीज लिख रहा हूँ, मैं उसका प्लॉट लिख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ. सब जगह फोन कर रहा हूँ कि कोई मिल लो, कोई ये कर लो, कोई नहीं. तो उसमें से एक कंपनी थी विटीफीड भी डिजिटल प्लेटफॉर्म था. तो उसका जब गूगल सर्च करके एड्रेस निकला तो इंदौर आया. ओके. तो विश्वास ही नहीं हुआ. मैंने ये क्या वजह के, मैंने उसको बुलाया, मैंने अभी ये तो इंदौर ही कंपनी है. तो बोलता हाँ मुझे पता है. तुमने कब बताने वाला था तू इंदौरी कंपनी? तो बोला हाँ मुझे पता है बेसिकली, पर ये लोग इसमें काम नहीं करते हैं, मतलब ये वीडियो वगैरह ज्यादा नहीं बनाते हैं, इनका ये ऐसा ऐसा ये वो. मैंने बोला पर भाई नहीं बनाते हैं तो बनाएंगे. तू बता तो सही कि कोई सा एक प्लेटफॉर्म है जो जहाँ अपनी एक रीच हो सकती है. मतलब मैं सारा रोज लैंडलाइन पे फोन लगा रहा हूँ उन लोगों के, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूँ, उनको गाली बक रहे हैं और तू मेरे को बता नहीं रहा है. तो उसने बोला कि मेरा एक सीनियर है जो वहाँ पे काम करते हैं. ओके. तो बोले तो मैं उनसे बात करवाता हूँ. मैंने बोला उस समय मेरे भैया की शादी भी आने वाली थी, एक मासी के लड़के ने.
मैंने बोला देख उज्जैन तो जाना ही है, हाँ तो बात करा दे, मैं इनसे मिल के आई। तो उसने बात कराई, तो उन्होंने बोला कि आ जाओ, जो मैं फाउंडर हैं परवीन भैया और विनय भैया, शशांक भैया, मैं परवीन भैया संभालते हैं क्रिएटिव, तो मैं उनसे तुम्हारी मीटिंग सेट करवा देता हूँ। बोला ठीक है। अब गए वहां पे, बड़े बड़े सपने लेके और बड़े बड़े चीजें लेके सब कुछ। तो उस समय वहां पे क्रिएटिव हेड थे आर डी शर्मा और सर हैं वो आज भी बहुत अच्छे, मतलब अभी भी गाइड करते हैं चीजों को लेके। तो वो थे, अब फाउंडर्स तो नहीं मिले, आर डी सर से मुलाकात, आर डी सर से मुलाकात हुई। आर डी सर ने पूछा क्या करते हो, क्या है, कैसा है, क्या लिखा है आज तक, ये वो सारी चीज उनको बताई। गौरव को थोड़ा सा जानते थे क्योंकि गौरव वो भी वहीं से पढ़े थे जहाँ से गौरव पढ़ा था, वो थोड़ा सीनियर। तो उन्होंने बोला मुझसे कि बताओ जो लिखा है वो बताओ। मैंने अपनी सीरीज का आइडिया सुनाया, दो तीन आइडियाज थे मेरे पास, मैं हम लोग मतलब हम दोनों गए थे, तो हमने 10 स्केचेस के आइडियाज भी निकाल के ले गए और सारी चीज पूरा प्रिपेयर होके गए थे, बताया उनको। उन्होंने बोला सही है लेकिन कुछ है, कुछ कुछ बनाया है, कुछ रिकॉर्डेड है एक्सपीरियंस। बोला नहीं है, गौरव अपने कॉलेज प्रोजेक्ट दिखाने लगा, मतलब बंद कर यार। तो बोला नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि काम करो बना लो, कुछ बना के लो। अब भाई हिम्मत ना हारने का एक ही वो था, मैंने बोला यार क्या कैमरा, क्या माइक, क्या लोकेशन, क्या कर, मैंने बोला यार गौरव बनाएंगे, मैंने बोला कोई बात नहीं बनाएंगे, यही घर था, यही रूम था, यही लोकेशन थी, यही बनाया। ओके, चीजें बनाई, गंदी बनाई, अच्छी बनाई, जैसी बनाई बनाई, आउटडोर दोस्तों के सब जुगाड़, मतलब छोटे शहरों में जुगाड़ होता है, जुगाड़ करके बना गए, बना के ले गए। उन्होंने देखा, देखा उन्होंने होप दे दी, उनने होप गलती कर दी, उन्होंने बोला हो जाएगा, की थोड़ी बड़ी बातचीत कर ली, अपने को नॉलेज कुछ था नहीं, अपन ने भी बोला हाँ ये वो ऐसा 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 ऐसा, ठीक है। अब उसी बीच में विटी फीड रीब्रांडिंग पे चला गया कि वो लोग अपनी रीब्रांडिंग वगैरह कर रहे थे। अब आरडी सर ने बोला 10 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना, आरडी सर ने फोन उठाना बंद कर दिया। अरे बाप, आरडी सर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आरडी सर ने उनके असिस्टेंट का नंबर दे दिया इससे बात करो, अब वो भी रिप्लाई नहीं कर रही है। मेरा मैंने यार सर करना क्या है, दिमाग खराब हो गया, करना क्या है। मैंने आरडी सर को ना एक बहुत लंबा मैसेज चिपका दिया गुस्से में, एक दिन उन्होंने उसका भी रिप्लाई नहीं करा क्या, पर मैंने वो तो गुस्से में चिपका दिया। मैंने बोला अगर कुछ नहीं तो मेरा गुस्सा खत्म होना चाहिए, करेक्ट। वो मैंने बहुत बहुत कुछ लिखा उसमें, पर कुछ भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता। पीछा तो हमने छोड़ा नहीं था, तो हमने बोला हम क्या करते थे, हम इंदौर जाके ऑफिस में जाके बैठ जाते थे। तो मतलब मुन्ना भाई वाली थी पूरी, पता नहीं क्या था, हम जाके बैठ जाते थे। मैंने बोला देख आदमी तो यहाँ से अंदर गया है ना गौरव, तो बाहर तो यहाँ से ही आएगा। मैंने आज तो या तो सिक्योरिटी भगाएगी या ये खुद भगाएंगे, पर मैं बात करके तो जाऊंगा। तो बैठ गए, विक्की भैया थे, विक्की भैया क्या वो ऑफिस का पूरा मैनेजमेंट संभालते थे। अब उनको इतने अच्छे से इसलिए जानते क्योंकि फिर काम किया ना, तो विक्की भैया रिसेप्शन पे खड़े रहते और वो आरडी सर के पास जाकर अंदर बोलते अब मिल क्यों नहीं लेता यार, वो नहीं जा रहे हैं यार, मतलब समझ तो सही, मिल तो सही उनसे। ठीक है, एक दिन आखिरकार आरडी सर आए मिले, तो उन्होंने बोला कि यार मैं ना, उन्होंने परवीन भैया को बुलाया जो फाउंडर थे, उनसे बातचीत हुई, सारी चीजें हुई, उन्होंने बताया कि देखो हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास रिसोर्स के नाम पे ये ऑफिस है, हमारे पास एक कैमरा है, एक लाइट है, मतलब जो 4-5 लाइट है, यही सब चीजें हैं हमारे पास, जो करना है तुमको ही करना है, तुम हमसे ही नहीं बोल सकते कि मतलब इट्स लाइक अ जीरो बजट कि तुमको जो करना है करो, ये ऑफिस के 50-60 लोग हैं जो काम करते हैं, जिसको यूज करना करो, जो तुम्हारे साथ काम करने को तैयार हो उससे करवा लो, ठीक है। टीम में एक दो डीओपी है, एक डीओपी है, तुम उनसे अगर वो फ्री हो तो तुम उनसे काम करवा लेना, वैसे उनने सारी चीजें बता दी, ठीक। लेकिन एक दिक्कत यह है कि जॉब नहीं देंगे, इंटर्नशिप देंगे, ओके, ठीक है, और 1 महीने की इंटर्नशिप देंगे, अगर सही लगता है तो फिर देखा जाए। तो बस वहां से फिर ब्यूटी फिट चालू हुआ। फ्रॉम द डे यू वेंट टू मुंबई और वहां से ये पहला इंटर्नशिप कंफर्मेशन, कितना वक्त लगा? 13 महीने, 13 से 14 महीने, राइट। और इस दौरान बस ये चालू है कोशिश थ्रू आउट एवरी डे,
इस दौरान पहले तो समझा कि मुंबई क्या है, मतलब मैं मुंबई पहले गया था, लेकिन आप जब इस नजरिए से जाते हो तो मुंबई बदल जाता है बहुत ज्यादा। मुंबई बहुत बदला आंखों के सामने, मतलब मैं इतना बेवकूफ था कि मैं आमिर खान के ऑफिस में चले जाता था, चलते चलते मैं सर्च करता था आमिर खान प्राइवेट लिमिटेड, और जो उसका ऑफिस एड्रेस आता था वहां सिर्फ एक प्यून बैठा हुआ मिलता था, हाँ क्या हुआ, बोला कोई है मेरे को मिलना है, बोलता कौन है, तो आमिर खान वगैरह आते हैं क्या, तो पागल हो गया क्या, जाए से मेरे इसके ऑफिस के सामने खड़ा होता था, मैं सोचता था यहाँ तो नहीं जान लेंगे यार, ये तो बहुत ज्यादा कुछ बना हुआ दिख रहा है। तो मुझे ये मतलब वहां पे अगर तुम मुझे एंटरटेन भी कर रहा है ना, तो मैं उसको बोलता था अच्छा बताओ क्या काम है, ओके तो बोलता था कुछ ऑडिशन चल रहा है, जाए जाए क्योंकि देखो शरीर उस समय दो ही चीजें चलती थी, एक तो मूवी और एक टीवी सीरियल, करेक्ट, टीवी सीरियल वाला शरीर नहीं था, तो मूवीज की पहचान नहीं थी, मूवीज के ऑडिशन कब होके चलाते थे पता नहीं पड़ता था, और टीवी सीरियल के लिए मुझे कोई देख के बोलता था कहाँ कहाँ दिखाने तेरे को बता, देखा है तूने लोग जो आते हैं सीरियल में, देखा उनकी बॉडी होती है वो परफेक्ट होते हैं, गोरे चिट्टे होते हैं उनके बाल जमे, तो क्या बोला हाँ ठीक है, कोई कॉमेडी रोल है उसमें, पीछे बकचोदी करनी किसी को, तो वही तो मतलब सीखा कि भाई, मतलब मैंने वो चीज सीख ली कि देखो यार है ना, खुद से झूठ मत बोलना कि वो कि हाँ भाई अभी भी हो सकता है, अभी भी ये सारी चीजें हो जाएगी, ये झूठ बोलने कुछ नहीं मिलना आप, मतलब बस एक ही चीज अच्छी थी लाइफ में कि मैं एक्सेप्ट कर लेता था कि सुनो यहाँ नहीं होगा, तो अगर कुछ करना है तो अलग तरीका ढूंढ लो, ये तो हाँ यहाँ तो भगा दी जाओगे, अगेन दैट प्रैक्टिकल अप्रोच वही काम आ रही है, बीइंग वेरी प्रैक्टिकल, ये होगा या नहीं कि पता है कि यार यहाँ नहीं होगा, अब इनके पीछे पड़ पड़ के अगर एक पा भी लिया तो एक से क्या कर लेगा, करेक्ट 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 करेक्ट। तो अब वेटिंग लिस्ट में काम शुरू हुआ, वहां कुछ वीडियोस बने, अब वहां से टीवीएफ में एंट्री कैसे हुई? तो विडिपीड में यही हुआ कि मैंने अब तक की जर्नी तो बताई दी थी कि कैसे क्या ये वो क्या क्या सर्कमस्टांसेस थे, तो वहां पर हमको एक डीओपी मिला शानू, और शानू एक डीओपी था, और वो एक एक लड़की थी मृणाली जो सोशल मीडिया संभालती थी, तो उसको बड़ा इन्फ्लुएंसिंग का शौक था, तो उसने बोला कि हाँ अगर कोई वीडियो पे कुछ एक्टिंग करनी है मुझे बता देना, ठीक। तो अब लाइफ में पहली बार राइटिंग चालू हुई प्रॉपर, प्रॉपर राइटिंग भी मतलब लिस्टिकल लिखे, स्केचेस लिखे, क्या अब राइटिंग चालू हुई, ऐसे हुई कि मेरा कोई बैकग्राउंड तो था नहीं, सीखा कुछ था नहीं, तो देख के सीखते हैं, जो थोड़ा इधर इनसे आरडी सर वगैरह से सीखा कि आपने पढ़ा हुआ है तो आप बताओ क्या है, थोड़ा दूसरी जो कॉम्पिटिटर्स थे जो उसमें बना रहे थे तो उनको देख के सीखा कि ये लोग क्या बना रहे हैं, ये कैसे टॉपिक सिलेक्शन करते हैं, फिर उसमें क्या चीजें होती है, मैं भी नया था विटीफीड के लिए भी वीडियो मेकिंग नई थी, सब कुछ ही नया था, तो ये नहीं पता था कि टर्न ओवर रेशो क्या है, आपका एक वीडियो कितने दिन में बन जाना चाहिए, करेक्ट, हमको ये चीज पता नहीं थी, तो हमारे लिए टर्न ओवर रेशो था एक दिन, ओके, हमारे दिमाग में ये बैठ गया कि भाई एक दिन में लिख के एक्ट करके एडिट करके अगले दिन अपलोड कर दो, वाह, वो तो बाद में आके मालूम पड़ा कि भाई इसमें 20-20 दिन लग जाते, तुम पागल हो गए थे तो खैर वो कंटेंट में भी फर्क पड़ता ही है, पर किस्मत ये रही कि एक दिन आए, मैंने एक एक वीडियो लिखा और वो सैटरडे था, उस दिन शूट करके आ गए, एडिट पे देखे, अब एडिट एडिटर था तो एडिट कर दिया था, अर्पल वगैरह ने एडिट कर दिया, अब नेक्स्ट डे संडे था, छुट्टी थी, अब हम देख रहे हैं कि हम उस वीडियो को रिफ्रेश कर रहे हैं, तो वो वीडियो हर एक घंटे में 1 मिलियन बढ़ जाता था, वाओ, हम उसको रिफ्रेश कर रहे हैं, वो वीडियो हर एक घंटे में 1 मिलियन बढ़ जाता था, मुझे लगा ऐसे ही व्यूज आते होंगे, ओके, इतना ही चलता होगा भाई, यही नॉर्मल है, यही नॉर्मल है, ये मैंने बोला वो पेज की रीच अच्छी है या जो है या ऐसा ऐसा, अगले दिन आए तो वैसे देख रहे हैं, क्या हो गया यार, बस आए, अर्पल आया, तरुण जो जो बाद में जो क्रिएटिव टीम बन गई बाद में और जो हम दोस्त बने और आज भी हैं, तो सब पागल हो गए, वो वीडियो कितना खतरनाक चला है पता है, 40 मिलियन व्यूज है उसमें एक दिन में, ओके, मैंने बोला तो ये मतलब नहीं होते क्या इतने व्यूज, पागल आज तक इतना व्यूज किसी वीडियो में नहीं है हमारे, वाह यार वीडियो अच्छा चल गया, हिम्मत थी शायद, और कोई बहुत स्मार्ट वीडियो नहीं था, बहुत डम सा वीडियो बनाया था, वो चल गया, वो रहता है ना कभी कभी कोई चीज हिट कर जाती है, सक्सेस का कोई फॉर्मूला तो है नहीं, जो चल गया
और वो चल गया और वो वीडियो सच में इतना चला कि मतलब यार आज भी आज तक दिख जाता है वो वीडियो को टाइम लाइन पे, अब वो अच्छा रन हो गया, अब वहां से हमें भी कॉन्फिडेंस आ गया यार भाई चल गई, और उनको भी हम पे कॉन्फिडेंस आ गया कि यार ये लोग तो कर रहे हैं, मतलब वो भी वो भाई किस्मत हो या कुछ भी इनकी चीज तो चल गई। वहां से फिर हमको चीजें करना चालू करी, तो हम पागलों की तरह भिड़े, और उस समय दिवाली आ रही थी और सारी चीजें सीजन था पूरा इन सब चीजों का, तो हम मतलब उस समय लिस्टिकली चलते थे, तो हमने मतलब क्या कहते उसको करवा चौथ भी नहीं छोड़ी, हमने करवा चौथ पे वीडियो बना दिया, हमने दिवाली पे भी सब पे बनाया और हमारी टीम बड़ी हो गई, अक्षत भाई हैं वो एज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर ज्वाइन हो गए, और शानू और अर्पित भाई डीओपी ज्वाइन हो गए, एक रिचू करके इंटर्न आ गया था उस समय तक, बाद में वो भी टीम का पार्ट हो गया, और ऐसे टीम बन गई और हम कंटिन्यू काम करते रहे, और कुछ चार महीने में बीटी फीड इंडिया का नंबर वन पेज था व्यूज में, ओवरऑल व्यूज में वीटी फीड इंडिया का नंबर वन पेज रहा, और वो तीन महीने तक कंटिन्यू हुआ, मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी तीन महीने तक हम टॉप थ्री में रहे। और फिर जब यूट्यूब स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे चीजें कोलैबोरेशन पे आई, मूवीज के कोलैबोरेशन मिलने लगे, और वहीं से फिर उस समय ये मेरी फैमिली आ रहा था, तो वी बिकम अ डिजिटल पार्टनर ऑफ ये मेरी फैमिली ऑल्सो, तो ये मेरी फैमिली में हमने डिजिटल पार्टनर मिला, और हमने उनके साथ बोला था कि हमको एक वीडियो करनी है आपके साथ, हमारी टीम वीडियो करना चाहती है, When you are a second child करके एक स्केच लिखा, और वो लिखा उसमें अपना, उसमें फिर हमने कोलैब करके और वो साथ में वो शूट किया, तो वहां से पहली बार टीवीएफ में कनेक्शन हुआ। मत इतनी बुरी कि वीडियो शूट करने गए तो संडे था, एक जना नहीं टीवीएफ ऑफिस में, मैं सपने देखता हूँ कि मैं टीवीएफ ऑफिस गया हूँ, मैं इनसे मिलूंगा मैं ये करूंगा, पूरा ऑफिस खाली। बस जो टीम थी, मतलब जो लाइटिंग की टीम थी, डायरेक्शन वायरेक्शन ये सब तो हमको ही करना था, तो जो रिसोर्सेस टीम थी वो आ गई, और आर्टिस्ट आ गया, मैंने बोला यार ये छोट हो गई यार, बस ऑफिस देख के आ गए, वो फूटी हुई टीवी जिसका वो शौक था देखने का, जो पिक्चर्स में भी देखी, जो सब कुछ था वो सब देख देख के वापिस आ गए, पर वहां से टीवीएफ में कनेक्शन चालू हुआ। ओके, आयुष जो था वो उस समय वीटीवी का क्रिएटिव हेड था, तो आयुष ने सबसे पहले टीवीएफ में जॉब आयुष को मिली, तो वो वहां पे क्रिएटिव प्रोड्यूसर बना टीवीएफ में। Okay. और उस समय टीवीएफ फादर्स 2.2 कर रहा था। Okay. मैं वीटीपीड भी था। तो उसके लिए वो लोग राइटर्स ढूंढ रहे थे। So basically आयुष अप्रोचेस मी और उसने कहा कि फादर्स के लिए राइटर ढूंढ रहे हैं। तो तू एक एपिसोड लिख के दे दे। देखते हैं जैसा भी लगता है अच्छा बुरा ही हो। मैंने बोला ठीक है, तो मैंने एक एपिसोड लिखा, प्रेम डायरेक्ट कर रहे थे, तो मैंने एक एपिसोड लिखा, मैंने वो लिख के प्रेम को सुनाया, तो प्रेम को अच्छा लगा, तो प्रेम ने बोला कि इसने अच्छा लिखा है, इसको एक और दे। बेसिकली पांच एपिसोड थे, तो उन्होंने बोला कि तू एक और लिख। मैंने एक और लिखा। अब हुआ ये कि प्रेम ने बोला यार कि तू वहां से बैठ के काम करता है इंदौर से, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, एक बार मुंबई आ जा, मुंबई में आके थोड़ा नरेशन वरेशन कर दे। ओके, अब मैं मतलब यहाँ से टीवी स्टार्ट हुआ, मैं टीवी गया, अब वो वर्किंग डे था। okay. मैं गया वहां पे, सब थे जिनको आज तक सिर्फ सामने देखा था। और वहां पे शायद एक सीरीज का है ना, पहले से नरेशन चल रहा था। तो पूरी जनता पहले से बैठी हुई थी, उन्होंने उसमें मुझे बुला लिया कि आजा आजा तू भी तेरा एक नरेशन दे ले। okay. अब मैं किंग्स लैंडिंग में बैठा हूँ, वहां पे ऐसा खड़ा हूँ मैं, और सब शिवांकित से लेके अभिनव से लेके बद्री दस्सी परीक्षित, ये वो हरमन मरमन, ये सब मतलब पूरे ऐसे ऐसे यहाँ से यहाँ तक घेर के खड़े हुए। और वो लाइफ का पहला नरेशन था, इससे पहले तो वीटी फीड की टीम ही छह जनों की थी, महा नरेशन ऐसा था कि सुनो ऐसा करना है, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। करेक्ट, बोला यार भाई ये तो ठीक है, सुनाया सुनाया सबको ठीक लगा, मतलब सबने अपने फीडबैक दिए। आयुष ने बोला भाई अच्छा था, मतलब बोले क्योंकि मैंने नरेशन सुने तो नरेशन के फीडबैक सुने तो मुझे मालूम है कि लोग कितने ब्रूटल हो जाते हैं, तो बच गए, क्योंकि TBF की सक्सेस का वही रेट है कि वो अपने राइटिंग को जब तक वो तराशते हैं पूरी तरह से, तराश के कि नहीं अच्छी हो गई तब तक वो मानते ही नहीं है। करेक्ट। तो वो चीज थी। तो हुआ यही कि मैं नरेशन दिया, नरेशन दे के सब लोग बाहर जा रहे थे, मैं बाहर गया खड़ा रहा,
शिवांकित ने बाहर खड़े खड़े मुझे एक दो फीडबैक दिए कि यार एंड में ऐसा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और मैं सिर्फ देख रहा हूँ उनको, ना क्या बात कर रहे हो यार। फैन था मैं तो यार इन सबका हूँ। तो शिवांकित भाई तो फीडबैक दे रहे थे, ये वो मतलब वो फैन मोमेंट था, तो मुझे याद है आज भी कि मतलब उनको पसंद आया। मतलब शिवांकित को कंटेंट का बहुत अच्छा नॉलेज है, शिवांकित और अभिनव को, दो जने ऐसे थे जिन्होंने उस समय, सबको ही है लेकिन वो दोनों कंटेंट प्रेमी है। तो भले ही वो उनकी सीरीज हो नहीं हो, वो ये वो ऐसा, अगर उनके सामने कुछ कंटेंट है और वो सही हो सकता है ना, तो मुझे लगता है वो कहीं भी उसका वो एक अच्छा फीडबैक दे देंगे। अदर देन टीके भी बता रहा हूँ, अगर मान लो कहीं बाहर प्रोजेक्ट करने को और उनको लगता है कि सुनो यार ऐसा करके अच्छा हो सकता है, तो वो फटाक वो बोलने में हिचकिचाएंगे। तो वो दोनों का ही नेचर ऐसा है। तो उन्होंने सिखाया, उन्होंने थोड़ा सा बताया ये ऐसा वैसा, मैं बड़ा खुश हुआ यार कि चलो एटलीस्ट इनको इतना पसंद तो आया कि मुझे उस पर फीडबैक दे रहे हैं कि ऐसा कर लो। तो वो सब हुआ। उस बीच में आयुष था ही, आयुष से बात हुई, आयुष ने शैली से बात करी कि प्रतीश लिख रहा है, मैं उनसे मिला ये वो। उसी बीच में फिर उन्होंने बताया कि टीम को बड़ा कर रहे हैं, टीम में राइटर्स ढूंढ रहे हैं, तो बताओ अगर तुम आयुष ने बोला कि अगर तू भी करना चाहता हो बता, मैं बात करता हूँ उनसे, पूछता हूँ। मैंने बोला बिल्कुल करना चाहता हूँ भाई। तो फिर शैली से बातचीत हुई और शैली के इंटरव्यू लाइफ के सबसे अच्छे इंटरव्यू रहते हैं। तो उन्होंने सिर्फ 5 मिनट के लिए केबिन में बिठाया, उससे पूछा क्या करता है, कितने साल का है, कहाँ से आया है, क्या जर्नी वर्नी ये वो ऐसा वैसा थोड़ा बड़ा। कंटेंट के बारे में कुछ नहीं पूछा, थोड़े बहुत सवाल वाल थे उनके बहुत अच्छे से। वो बहुत शैली इज टू इंटेलिजेंट, तो वो आपसे कभी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा करते हैं कि उनको वो जवाब मिल जाना चाहिए, जो मतलब वो उसमें से वो चीज निकाल लेते हैं जो उनको चाहिए। उन्होंने वैसे ही घुमा फिरा के मेरी लाइफ एक्सपीरियंस से ही मुझे कंटेंट एक्सपीरियंस पूछा, कैसा है, क्या है ये, और थिंग्स वेंट वेल। तो मैंने फिर टीम को ज्वाइन ही कर लिया क्योंकि फादर्स चल ही रहा था, 2 एपिसोड में लिख ही चुका था तो, और 5 एपिसोड का था, तो मैंने बोला कि फिर सारे में ही ज्वाइन करता हूँ। तो एक आधी एपिसोड और लिखे हुए थे, फिर उसके बाद मैं फिर सारे एपिसोड लिखना चालू करा। जतिन इज अनदर को राइटर थे फादर्स में, तो बेसिकली सभी सीनियर थे जिन लोगों ने भी लिखा था। हरीश भी बीच में आए थे एक एपिसोड लिखने, तो उनसे भी, तो सबसे ऐसा सीखते 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 वहां से फिर टीवीएफ में एंट्री। राइट, डू यू रिमेम्बर द मंथ डेट ईयर? हां, 5th of January 2019. So it's been 2 years now. 2 years work anniversary. Right. Ho gaya. Nice. That's amazing. Lovely. Now, writing ki badolat aapne bahut kuch kiya. You reached where you are today. I'm sure ek phase aata hoga jahan you hit that writer's block. Ki ab nahi samajh mein aa raha hai is character ko kaise grade daalu, kaise badhaun, story ko aage kaise le jaun. What is your process like to get out of it and then continue and get your story right? मुझे लगता है सच मायने में ना प्रोसेस तो क्या है, मैं वही बताऊंगा जो मैंने लाइफ में हमेशा किया है कि मुझसे एक चीज नहीं होती थी। मतलब मैं उस चीज में बिलीव रखता हूँ कि आपकी एक चीज परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन मेरे अंदर यही था कि ना अगर कुछ चीज समझ नहीं आ रही है, कुछ चीज में आप राइटर्स ब्लॉक में फंस गए हो ना, तो कुछ और करते रहो। मतलब कुछ और करोगे ना, तो जब आपका ध्यान थोड़ा सा किसी और चीज में जाता है ना, right. तो जब आप जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट अगर मैं थोड़े दिन नहीं खेलता था ना, तो मैं उसको मिस करने लग जाता था, और जब मैं कंटिन्यू खेल रहा था तो एक टाइम ऐसा आया था जब ऐसा जो स्पॉट आता है ना, तो वहां भी आ गया था कि यार परेशान हो गए यार खेल खेल के, ये क्या चीज है मतलब। right. तो वही चीज रहती थी। तो मैं स्टार्टिंग से डायरेक्ट भी करता था, और मुझे डायरेक्शन का जीरो नॉलेज था। okay. पर मैं विटी फीड में कोई था ही नहीं, जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने बता दिया था कि रिसोर्सेज ये है, तो वहां पे डायरेक्ट मुझे ही करना होता था। तो मैंने वहां से डायरेक्शन सीखा। सीखा कैसे कि मैंने फिर वही ऑनलाइन सीखना चालू करा, मैंने पढ़ा डायरेक्शन के बारे में, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस सर्च करी, मैंने दूसरों की वीडियोस से ऑब्जर्व किया, और मैंने डायरेक्शन स्टार्ट कर दी और मैं सीखने लगा डायरेक्शन। तो मुझे राइटर्स ब्लॉक से निकलने में डायरेक्शन बहुत हेल्प करता है। okay. आज मतलब मैंने टीवीएफ में राइटिंग से ज्यादा प्रोजेक्ट डायरेक्शन के करे, तो मैं कुछ और चीज जो मुझे ज्यादा जो मुझे इतनी पसंद है, मैं उसको जाके थोड़ा बहुत करने लग जाता हूं। तो आपने एक्टिंग किया, राइटिंग किया, डायरेक्शन भी किया फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द जर्नी, ऑफ कोर्स नॉट प्रोफेशनली सीख के, बट जो जैसे सर्कमस्टेंसेस से खुद ही से सेल्फ लर्निंग करके किया। नाउ व्हिच ऑफ दीस थ्री यू एंजॉय द मोस्ट, सबसे ज्यादा मजा आपको उसमें आता है, क्या है वो? टफ क्वेश्चन। मुझे लगता है कि सबके अपने मजे हैं। जैसे अगर ऑन सेट मैं बताऊं,
तो ऑन सेट एक्टर्स के मजे हैं. ओके. क्योंकि जब आप एक्टिंग करने जाते हो ना तो ऑन सेट आपको मतलब आपको कोई आके ये नहीं बोलेगा कि सुन भाई 7 बजे खत्म करना है. आप बोल दोगे डायरेक्टर से बात कर भाई मैं तो करने को तैयार हूँ जो बोलेगा वैसे. ठीक है. तो ऑन सेट एक्टिंग करने मजा आता है. जब घर बैठता हूँ तो राइटिंग करना पसंद है. और डायरेक्शन कैसी चीज है ना कि डायरेक्शन इज अ थ्रिल. मतलब मजा आता है डायरेक्शन में. डायरेक्शन मुझे ऐसा लगता है कि ना एक क्योंकि अभी स्केचेस ही एक मिनी सीरीज ही डायरेक्ट करी है. डायरेक्ट करने में तो उसमें मिनी सीरीज करी है स्केचेस करें तो वो मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्शन में तेरे तो ऑलवेज इसको क्या आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो. आप कुछ नया सीख सकते हो. आप चीजें कर सकते हो. क्योंकि राइटिंग में क्या हो जाता है आप सेम चीज राइटिंग में भी कर सकते हो लेकिन राइटिंग में कभी कभी ब्रांड स्पेसिफिक होता है तो उनकी कुछ कुछ चीजें रहती है कि यार आप ये नहीं एक बकचोदी लेवल आप इससे नहीं बढ़ा सकते. हाँ एक रिस्ट्रिक्शन आ ही जाता है. बढ़िया. नाउ व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड. मैंने एक मिनी सीरीज देखी यूट्यूब पे कॉल्ड फ्रेंड रिक्वेस्ट. नाउ मेन 3 कैरेक्टर्स में आप भी एक दोस्त हैं अलोंग विद बद्री एंड छोटे मियां विच इज अरुण भाई. तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू अंडरस्टैंड इज हाउ डिड यू गेट ऑन टू दैट प्रोजेक्ट. वो प्रोजेक्ट में आपकी एंट्री कैसे हुई और बद्री और अरुण के साथ काम करने का स्पेशली उस प्रोजेक्ट को लेके एक्सपीरियंस कैसा रहा. तो बेसिकली बद्री और छोटे मियां को जानते तो टीवीएफ से ही थे. काम पहले से ही कर रहे थे टीवीएफ. हाँ. बद्री के साथ तो काम किया था टीवीएफ में स्केचेस वगैरह में. ये वो छोटे मियां के मतलब छोटे मियां से कनेक्शन था. छोटे मियां आते थे ऑफिस आते थे बातचीत होती थी ये वो. लेकिन किस्मत ऐसी रही कि एक एक डेढ़ साल में उनके साथ कभी फ्लोर पे काम करने का मौका नहीं मिला. गॉट इट. कि हाँ कि फ्लोर पे काम चल रहा है ये. हाँ, हाँ. पर बातचीत थी तो वो प्रोजेक्ट ऐसे मिला कि आरबीसी से कर रहे थे. हाँ. और अक्षत भाई जो है वो डायरेक्ट कर रहे थे उसको. हाँ. तो अक्षत भाई बीटीफीट से हैं तो हम बातचीत होती रहती दोस्त हैं हम अच्छे. हाँ. तो अक्षत भाई ने बताया कि यार मैं ये कर रहा हूँ ऐसा वैसा ये वो. और उसके लिए उन्होंने मुझे बताया कॉन्सेप्ट कैसा है क्या है. उन्होंने मुझे फीडबैक लेना चाहते थे कि बता क्या कैसा लग रहा है कैसा है क्या है. मैंने बताया जो भी हम दोनों में चलता रहता है हम कुछ करते मैं फीडबैक देता हूँ वो फीडबैक देते हैं. वो सारी चीजें चल रही थी तो उन्होंने मुझे बोला कि यार एक कैरेक्टर है धीरज नाम का. तो बोले ना सबका ध्यान अभी मुन्नी पे है क्योंकि मुन्नी इज अ रियल क्वर्की वन और ना उसके लिए हम ट्राई कर रहे हैं छोटे मियां को. और जो उसका लीड है वो बद्री कर रहा है. तो एक धीरज का कैरेक्टर है तो तू उसका ऑडिशन बना के भेज दे. तो मैंने उसको ऑडिशन बनाया मैंने भेज दिया. तो बेसिकली अक्षत भैया और जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स हैं और जो चैनल हेड हैं पंकज भाई अश्विन भाई ये सब तो उन्होंने देखा होगा उनको अच्छा लगा. तो उन्होंने एक दिन ऑफिस बुलाया. उन्होंने ऑफिस बुला के मुझे लुक टेस्ट वगैरह जो करते हैं वो करा. उनको अच्छा लगा तो वहां से ऐसे मुझे वो रोल मिला. नाइस. एंड डिड यू हैव लाइक अ फन अराउंड बिकॉज़ अब जानते दोनों के साथ थे लेकिन छोटे मियां के साथ पहली बार काम करने का मौका मिला तो एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा. क्योंकि कैसा था ना कि हम मेरे सीनियर हैं वो दोनों एक तरह मतलब है तो सीनियर ही फैन रहे हैं उनके. तो अब मैं ना बिल्कुल स्टार्टिंग के थोड़े बहुत अब पर अंदर की मस्ती कहाँ जाएगी. स्टार्टिंग के थोड़े बहुत टाइम तो बिल्कुल इज्जत से और ये वो ऐसा ये तो बद्री है ना बद्री बहुत बहुत ज्यादा हरामी है सेट पे. बद्री मतलब पूरे टाइम चिल्ला चोट करता ही रहता है और ये हो. तो उन्होंने बोला मैं क्या ही है तू ये आप करके सब क्या बात करता है है ऐसे कोई बात करता है चल. तो उन्होंने थोड़ा खोला. और छोटे मियां कैसे है ना छोटे मियां आपको लगता होगा कि छोटे मियां को अगर मजा आ रहा है ना तो मजे करेंगे. वरना छोटे मियां कैसा है कि आप जैसे कैमरा रोल करोगे ना तो बदल जाते हैं. वो आपको एकदम से कुछ मतलब जो जो कैरेक्टर में घुस जाते हैं जब वो बात करोगे तो वो अगर उनको माहौल मिल रहा है तो ठीक है वरना वो थोड़े से चुपचाप रहेंगे. आपको देख के ऐसा लगता है शायद कि छोटे मियां बहुत पर वो ऐसे चुपचाप रहेंगे पर हुआ कि सेट बद्री और छोटे में बहुत अच्छी बनती थी. तो वो दोनों चालू हो गए. अब जब वो दोनों चालू हो गए तो कभी कभी मैं घिरा. अब जब मैं घिरना चालू हुआ तो मैंने बोला तो करना पड़ेगा. तो फिर मैंने भी अपने ग्रुप बनाया और हम फिर आप चालू हो गए तीनों चारों पे जो भी थे. तो फिर उसके बाद वो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था. और हुआ ये कि हम लड़कों का सीन ज्यादा थे साथ में तो हम तीनों की ज्यादा शूट टाइम साथ में रहा सारी चीज हुई. तो वो वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. Lovely. तो हमारा गेम सेक्शन है. The idea of this is to understand a bit more about you and your personal likings and dislikings. And my first question is, who were your first 3 friends in DVF?
आयुष तो था ही, आज भी है, फिर उसके बाद वैभव आया, फिर साध आया. लवली. आपके थ्री फेवरेट मूवीज? तो थ्री इडियट्स, रांझणा और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा. तो ये तीन. ऑलराइट. और थ्री फेवरेट वेब सीरीज, हिंदी अलग इंग्लिश अलग? सो बेसिकली हिंदी में तो पिक्चर्स है अभी भी टॉप करती, क्योंकि लाइफ चेंजिंग रही पिक्चर्स. और वेब सीरीज का मेरे साथ बस एक ये चीज है कि मैं ना शायद पुरानी भूलता जाता हूँ, तो जो जो चलती रहती है वो याद रहती है, तो ऑटोमेटिकली अच्छी लगती है. तो एस्पिरेंट जो है वो अभी चल रही है, इसलिए वो बहुत मतलब चल रही है इसलिए पसंद भी बहुत आई. और मैंने अभी पांचों एपिसोड देखे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हाँ भाई मुझे तो बेस्ट लग रही है, कि बहुत अच्छी सीरीज है. सो और थर्ड के लिए टफ कॉम्पिटिशन है बिटवीन कोटा एंड गुल्लक, पर आई विल गो विथ गुल्लक, क्योंकि उसके दो सीजन आ गए तो मेरे पास ज्यादा कंटेंट है, मैं ज्यादा देखूं. ट्रू ट्रू. अभी कोटा आ जाएगा तो मेरे लिए फिर कोटा हो जाएगा शायद, तो मैं वैसा आदमी. और ऐसे इंग्लिश में देखा जाए तो ब्रेकिंग बैड है. फ्रेंड्स, मैंने लाइफ में पहली बार देखा था जब मैं मुंबई गया था स्ट्रगल करने. तो स्ट्रगल करने तो नहीं गया था, स्ट्रगल हो गया था. तो जब मुंबई गया था तो फ्रेंड्स तब कैसा था ना, ये ओटीटीज वगैरह थे नहीं, तो ऐसे डाउनलोड कर करके किसी दोस्त के लैपटॉप में हो तो लेके, और तो वैसे ही काम चलता था. तो उस समय फ्रेंड्स के ना 5-6 सीजन लैपटॉप में ले लेता था, उनको रात में मोबाइल में ट्रांसफर करता था. और मेरी दीदी है ना नवी मुंबई रहती थी, सो आई यूज्ड टू ट्रैवल फ्रॉम नवी मुंबई टू अंधेरी एवरीडे. अच्छा, ओके ओके. तो वो 2 घंटे का सफर होता था, तो मैं जाते समय 2 घंटे वो देखता था और मैं आते समय 2 घंटे वो देखता था. नाइस. Your three favorite holiday destinations? Ladakh, Manali, okay, or Goa. Well, that was quick. So it's pretty. You've been to all of them? मैं 6 बार मनाली गया हूँ. मैं लद्दाख रोड ट्रिप पे गया हूँ, इसलिए मेमोरेबल है. और गोवा तो फिर मुंबई वालों को पता ही है, कुछ नहीं है, गोवा जाना ही है. और मुझे घूमने को ज्यादा ही शौकीन हूँ, बहुत ज्यादा हूँ. मतलब मैं इंडिया को केरल पार्ट को अगर छोड़ दें, क्योंकि वो पता नहीं कि मेरे दिमाग में बना हुआ है कि मैं फैमिली के साथ ही जाऊंगा केरल. ओके, तो इसलिए मैं कभी गया नहीं. ओके, थ्री डायरेक्टर्स जिनके साथ आपने अभी तक काम नहीं किया है बट यू वुड लाइक टू वर्क विद? अभी तक काम नहीं किया है, हाँ, अनुराग कश्यप, अनुराग बासु और सर. सबके आगे सर लगा देता हूँ, पहले अनुराग कश्यप सर, अनुराग बासु सर. और एक और मैंने जिनके साथ नहीं किया है और करना है, यार वो कैसा है ना कि इतने बड़े बड़े हंसल मेहता जी हैं, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं, उनके नाम कैसे ही ले लो. थ्री थिंग्स यू कांट लिव विदाउट एक्सक्लूडिंग पीपल? क्रिकेट, ट्रैवलिंग और राइटिंग. सो वेयर डू यू राइट? आई फॉरगॉट टू आस्क, लाइक डू यू राइट पेन पेपर स्टाइल राइटिंग या टाइप स्क्रीन पे? हाउ डू यू प्रेफर? आई ऑलवेज स्टार्ट विद पेन पेपर, मुझे पसंद है पेन पेपर में करना. ओके, तो मैं पहले उसमें करता हूँ, क्योंकि उसमें वो जब चीजें कटती है ना, तो वो कटी हुई चीज भी आपको याद दिलाती है कि आपने कितना काटा, क्या क्या आप कैसे यहाँ तक आए हो. Correct. और पता नहीं मेरे लैपटॉप पे तो मेरे को मतलब कैसा है ना, पेन पेपर कहीं भी चालू हो सकते हो, लैपटॉप देयर इज ऑलवेज अ पॉइंट कि अब बैठो, अब करो. Exactly. तो मुझे तो पेन पेपर पसंद है. Right. लेकिन वो पेन पेपर मतलब स्टार्टिंग ही होता है, उसके बाद तो आपको आना ही पड़ता है लैपटॉप. ऑलराइट, वन लास्ट थिंग इज, थ्री थिंग्स यू वुड वांट पीपल टू नो अबाउट यू जो शायद ज्यादा लोगों को नहीं पता है? I am very friendly with people I know, or I like to make friends. Okay. And I am always ready to play. तो कभी भी कोई भी कुछ खेल रहा हो, क्रिकेट विकेट तो मुझे बुला लो. Okay. So that was the game. Thank you for being honest and quick. बहुत मजा आया. Are there any upcoming projects with respect to series or limited series or anything where we can see you next on screen? So basically on screen अभी Cubicle 2 आ रहा है. Okay. पर उसकी शूट अभी रुक गई, क्योंकि कोविड के जो भी सर अभी शूट ही रुक गया है कोविड के कारण हर जगह का. तो ऑन स्क्रीन वही है अभी प्रोजेक्ट जो है, वो Cubicles 2 आएगा. Alright. और कोटा फैक्ट्री है लेकिन बहुत छोटा सा रोल है, कोई नहीं. तो कोटा फैक्ट्री भी है. और बाकी तो आप YouTube चैनल पे देखते ही रहते हैं, और उस पर तो चीजें आ रही है, मिनी सीरीज आ रही है उस पर. If I may say this, amongst जितने भी आपने characters play किए हैं और everything you've done on YouTube sketches so far, my favorite is when you do Hardik Pandya and Mumbaikar Nikhil. Like
भाई मचा देते हो, वो उससे उससे ज्यादा क्लोज आई डोंट थिंक और कोई किसी ने किया है। वो थोड़ी बहुत रिजेंबल करती है चीजें इसलिए शायद। या थैंक यू सो मच, वी विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर क्यूबिकल्स 2, कोटा फैक्ट्री एंड ऑल द अदर डिजिटल प्रोजेक्ट्स यू आर डूइंग। वी डेफिनेटली विश एंड होप टू सी मोर ऑफ यू ऑन स्क्रीन, एंड ऑफकोर्स आपके राइटिंग के फैन हम ऑलरेडी हैं, सो आई होप बहुत जल्दी आपको कोई प्रॉपर सीरीज जैसा प्रोजेक्ट मिले जहां आप लिखे एंड वी कैन सी यू परफॉर्म एज वेल एट द सेम टाइम। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच यार, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। बहुत और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, मतलब परदेश में भी जो देश वाली फीलिंग है वो है, तो अच्छी बात है। थैंक यू। आई रियली होप यू एंजॉयड दिस कन्वर्सेशन। इफ यू डिड, मेक श्योर यू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Also, do not forget to subscribe to Binge Buddies for more such candid conversations.